गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो आज इस वीडियो में, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, हम एमए फाइनल के राइडर्स टू द सी, जो कि थर्ड पेपर में है, कुछ यूनिवर्सिटीज के सेकंड पेपर में है, लेकिन राइडर टू द सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपन्यास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और राजस्थान विश्वविद्यालय के मत्स्य शिक्षा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, इसके ट्रेस भी प्रोट को डिफाइन कीजिए इसकी थीम और समरी के साथ में। तो देखो, ये जे एम सेंगी के द्वारा लिखा गया है, एक आयरिश लिटरेरी है ये, और इसको 25 फरवरी 1904 को मोलिस वर्क में परफॉर्म किया गया था। 1/8 ट्रेजेडी है ये, और इसको रिटन इन हिबर्नो इंग्लिश डायरेक्ट में इसको लिखा गया है। अरे, पूरी की पूरी कहानी जो है ये मौर्या नाम के औरत पर सेंट्रलाइज्ड है, जिसने अपने हस्बैंड को और अपने 5 बच्चों को इसने समुद्र में खो दिया है, जिसमें कैथरीन नोरा जिंदा है, बार्टले, सीमस, स्टीफन, माइकल और फेज, ये इसके बेटे हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि लेखक जेम्स सेंगी जो है वो एक बार आयरिश आइलैंड पे घूमने के लिए जाते हैं, अरहान नाम के एक आइलैंड है, वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। तो इसके मित्र विलियम बटलर गेट्स के द्वारा इसको सजेस्ट किया जाता है, इसको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम्हें इस पर लिखना चाहिए। तो जब वहां पर आइलैंड पे जाता है, तो वहां पर एक खबर उड़ती है कि किसी की डेड बॉडी जो है वो समुद्र में से बह के आई है। तो उसी ने इसी के ऊपर, इसी ट्रेजेडी को देखते हुए उसने ये नोवेल लिखा, जिसमें उसने काल्पनिक करेक्टर मौर्या लिया। मौर्या अपने बच्चों के साथ समुद्र तट पर रहती है, जिसमें कैथरीन नोरा इसकी बेटियां हैं, जिसको एक पंडित के द्वारा सूचना मिलती है कि उसके भाई जो माइकल है उसकी डेड बॉडी समुद्र से बह करके आई है। किस तरह से मौर्या अपने पति के डेड बॉडी को और अपने बच्चों के डेड बॉडी को देखकर कैसे दुखी होती है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस दुख को किस तरह से समेटती है। तो ये पूरा का पूरा जो उपन्यास है, ये मौर्या के इर्द गिर्द घूमता है, उसके दुख और पीड़ा को बताता है कि किस प्रकार अपनों को खोने का गम कैसे होता है, और किस प्रकार उसके पति और उसके बच्चे उसकी बात के अवमान न करके कैसे समुद्र में जाते हैं। तो इससे आपसे क्वेश्चन केवल ट्रेजेडी प्लॉट ही पूछा जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और 101% सारे बड़ बालक ध्यान दीजिएगा, 101% आपके क्वेश्चन आएगा। और जब आप इसके क्वेश्चन को डिफाइन करें, तब आप इसके थीम प्लॉट समराइज को, इसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए आप इसमें डिफाइन कीजिए कि ये 1/8 ट्रेजेडी कैसे है, इसमें एक माँ के इमोशंस को शो कीजिए, और ये आयरिश ट्रेजेडी का प्ले कैसे हुआ, और यहाँ पर मॉडर्निटी को भी आप शो कीजिए कि किस प्रकार इसमें राइटर ने, जे एम सेंगी ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्निटी को डिफाइन किया है। और फिर क्रिटिकल कमेंट और कंक्लूजन लिखते हुए इसके 10 से 12 पॉइंट पे आप आंसर लिखिए, बिना पॉइंटों के आंसर नहीं लिखे, और जो भी आंसर लिखे नीट एंड क्लीन लिखे, और 500 वर्ड में इसके आंसर को लिखे। अब इस नोवेल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। एमए के छात्र जो यूजीसी नेट दे रहे हैं, एमए प्रीवियस फाइनल में है, वो बच्चे जरूर संपर्क करें किसी भी कंटेंट को लेकर के। नोट्स जिन भी छात्रों को चाहिए, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का हो, उन्हें पीडीएफ में और प्रिंटेड नोट्स हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।